यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ सभी आए हुए विद्यार्थी, छात्र छात्राओं, मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह पर उपस्थित होने का और आपके बीच में अपना विचार व्यक्त करने का। यहाँ के कुलपति महोदय ने इस विश्वविद्यालय की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान की। शैक्षिक योग्यता से युक्त होकर इस विश्वविद्यालय का लोगों ने नाम रोशन किया है और आज अवसर भी प्राप्त हुआ जो विभिन्न विभागों में जिन्होंने उत्कृष्ट सेवा की है, चाहे गणित हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे और भी विषय हैं, ऐसे शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, उनका मैं अभिनंदन भी करता हूँ। निश्चित रूप से इस प्रकार का आयोजन लोगों को आगे के लिए प्रेरित करता है, ऐसे आयोजन होना चाहिए, क्योंकि अजमेर में, किशनगढ़ में यह विश्वविद्यालय अवस्थित, इस धरती की विशेषता अपने प्रकार की अनुपम है। यह इलाका इस प्रकार का है, क्षेत्र इस प्रकार का है जो परस्पर का सौहार्द के भाव को उत्पन्न करने में और समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की अस्पृश्यता की, अंधविश्वास की स्थितियां निर्माण थी, उसको भी दूर करने का प्रयास किया। यहाँ अजमेर शरीफ पे गरीब नवाज का स्थल है तो पुष्कर भी है, ब्रह्मा का मंदिर भी है, दोनों का अद्भुत सामंजस्य है। और मैं अगर ये कह सकूं कि ये क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं तो दुनिया के लिए सौहार्द की प्रेरणा प्रदान करने में सक्षम है। और केवल इतना ही नहीं, ये इलाका ऐसा है कि अगर अभी भी मरुभूमि तो है, लेकिन अगर इसमें अभी भी एक्सकवेशन किया जाए, एक्सकवेशन खुदाई, तो बहुत सारे पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होंगे। कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का भी अवशेष प्राप्त हुआ है, यह इलाका इस प्रकार का है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से एक इसके नाम से पूरा हिंदुस्तान दुनिया में प्राचीन सभ्यता वाला हिंदुस्तान माना जाता है। तो ये इलाका स्वयं प्रेरणा प्रदान करने वाला है, इसे कण कण में प्रतिभा है, इसके कण कण में सौहार्द है। ऐसे स्थल पर यह विश्वविद्यालय है। अभी आपने बताया कि ये तो कोणार्क के मंदिर के आधार पर, जिस ढंग से गणित के आधार पर सारा उसका सामंजस्य बैठाया गया है, उसके आधार पर भी इसका एक संचालन हो सकता है। जब इन्होंने बात की तो मुझे लगा कि अपने यहां तो इस प्रकार की विद्या का बड़े प्राचीन काल से संबंध रहा है। आपको ध्यान होगा, कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भारत सरकार हमेशा मार्गदर्शन करता रहा है। और इसलिए कहा गया कि पूरे विश्व में गणना के आधार पर जो सुनिश्चित किया गया है, ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद ज्ञान का भंडार है। और उसके बाद फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे आए हैं जो पूरे दुनिया को अपने अंदर किए हुए ज्ञान अर्जन से प्रेरणा प्रदान करती है। यहां ही आर्यभट्ट जैसे ज्योतिषाचार्य हुए, गणित के मर्मज्ञ हुए, जिन्होंने बीज गणित को महत्व दिया था। हमारे गणित के यहां होंगे, उनको पता है गणित के तीन प्रमुख अंग हैं,
अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। अंकगणित को कहा गया कि वैदिक काल से, बीजगणित बारे बताया कि आर्यभट्ट ने इसको लोग सर प्रस्तुत किया था, और रेखागणित के बारे में कहा जाता है वैदिक काल से चला है, जो यज्ञ कुंड और बाकी सारी चीजें बनाई जाती थी वो रेखा गणित के माध्यम से बनाई जाती। यह अद्भुत का स्वरूप रहा है, खगोल विज्ञान के धनी, जिसको आप जो रचल स्वरूप मानते हैं, अंतरिक्ष का जिसको मानते हैं आप, उसके महापंडित आर्यभट्ट थे। ग्रह नक्षत्रों की बात उस समय उन्होंने चलाई थी, और आज भी ग्रह नक्षत्र जैसे हैं, गणना के आधार पर उसको भी गलत नहीं साबित करना है। ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीर, भास्कराचार्य, ये जो विभिन्न ग्रह हैं, इन ग्रहों के निर्माता उसकी गणित के आधार पर अंतरिक्ष में कैसे स्थित होते हैं उसकी गणना आज ही विज्ञान है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो डेट सुनिश्चित की गई है, तिथि सुनिश्चित गई है, उसमें भी आज तक काफी है। और अपने यहां ऐसे प्रतिभाशाली लोग हुए हैं जिन्होंने विश्व को शून्य और शून्य दशमलव, तो शून्य और दशमलव प्रणाली को देने वाले अपने आप इतने ज्ञान के थे। या तो ज्ञान का भंडार है। अभी हमारे रसायन शास्त्र थे, रसायन शास्त्र के महापंडित नागार्जुन बोधायन नाम अच्छे से जानते होंगे, उसने उन्होंने रत्नाकर दिया जो रसायन शास्त्र के बारे में एक एक महा ज्योतिषाचार्य ज्योतिष जो गणित के ऊपर आधारित थे, इन सारी चीजों को प्रस्तुत किया है, एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया दुनिया स्वाभाविक रूप से इस ग्रहण कर सके। अभी सूर्य से ज्यादा प्रभावित है, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत ये पुस्तक लिखी, अब वो उसके ऊपर अगर उसको आप गहराई से अध्ययन करें तो सूर्य से संबंधित जितनी भी सारी चीजें प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो सहयोगी है, ये हमें प्राप्त होता है। सिद्धांत कौन थी, सूर्य सिद्धांत, ये सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी है। तो ये सारी चीजें विश्वविद्यालयों में आज शोध का कार्य बना हुआ है, के लोग हमारे पास भाग रहे का अध्ययन करना चाहते हैं। वो ऐसे ऐसे महान पुरुषों के द्वारा विस्तृत विचार उनके देखना चाहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखे सबसे बड़े थे भारतवासी, यंत्र विज्ञान, विमान कैसे बनता है, वायु कैसे बनते हैं, वर्णन है, इन सारी चीजों का शोध। कहते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं, लेकिन सुश्रुत ने, सुश्रुत को पंडित थे और उस संख्या के अंतर्गत है 900 औजार लिखा गया था, उस वजह से सर्जरी हो सकती है। तो एक एक चीज देखेंगे, आज लोगों ने उसकी आवश्यकता महसूस करनी शुरू की है। आज दुनिया के पंडितों को लगने लगा सारे विषयों में, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे विभिन्न प्रकार के, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे वनस्पति शास्त्र हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, इन सारी चीजों के बारे में अगर गहन अध्ययन करना है तो एक मूल ग्रंथ को लीजिए,
चाणक्य का केवल कौटिल्य शासी नहीं है, चाणक्य ने नहीं लिखी, चाणक्य ने भी यंत्रों के बारे में पूरा ज्ञान दिया है, सैन्य विज्ञान के बारे में ज्ञान दिया है, युद्ध कौशल के बारे में ज्ञान अपना दिया है, जिसका आज अध्ययन कर रहे हैं। चाणक्य के बहुत सारे ग्रंथों को ब्रिटिश ने जला डाला था ताकि लोगों के हाथ लग नहीं पाए, ये सारे ज्ञान भरे पड़े विश्वविद्यालयों का काम है। आज आवश्यकता है ज्ञान को हम अर्जित करें, पुस्तकीय ज्ञान हम प्राप्त करें, बच्चे पुस्तकीय ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन पुस्तकीय ज्ञान के अलावा आज जरूरत है अधिक इनोवेशन, अधिक से अधिक प्रयोगशालाओं, अधिक से अधिक शोध कार्य, रिसर्च, इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर क्या क्या हम इस समय कर सकते हैं। मरुभूमि है तो इस मरुभूमि से कैसे हम तेल निकाल सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, हमारी चुनौती है पानी, यहां जल चुनौती, हम कैसे। मैं जैसलमेर गया था, जैसलमेर के पास एक और कुलदरा के पास भी और भी कई स्थान जुड़े, 84 गांव 85 गांव हैं, और उसमें मैंने देखा कि खेती के मैं सुन रहा हूँ फागा किला था, फागा किला था दोस्तों, वहां जाने में देखा उस मरुभूमि में हरियाली वाली खेती, उस समय उसे पानी कैसे लाया जा सकता है, ये शोध के कारण ही है कि थोड़ा भी पानी है तो उसको कैसे उपयोग, मरुभूमि को भी कैसे हरियाली में ला, आगे की लड़ाई हमारी पानी पर आएगी, शोध के माध्यम से इस इलाके में भी हम कैसे पानी ला सकते हैं, हम किस ढंग से सारी व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने सारे विशेष की हमने मीटिंग, हमने कहा था कि आप अपने अपने विश्वविद्यालयों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर, ग्रे वाटर से संबंधित रिसाइकिलिंग का और वाटर कंजर्वेशन का ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहां जहां पानी इधर उधर जा रहे हैं तो उस पानी को कलेक्ट करके कैसे हम ला सकते हैं अपने पास, उसकी व्यवस्था करिए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो ही सर्वोत्तम होता है, वाटर लेवल ऊपर होता है। अब ये सारी चीजें शोध की गई, विश्वविद्यालयों में अगर इनका नहीं होगा कहां हो सकता है, कहेंगे कृषि विश्वविद्यालय करें, मैंने कहा सभी विश्वविद्यालय में, सभी विश्वविद्यालय में सारी चीजें होनी चाहिए। ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत बड़ा हमने देखा, इनका कैंपस है, सूर्य पर आधारित सारी चीजें हैं, या सोलर का प्रबंध अच्छा हो सकता है, सोलर प्लांट लग सकते हैं, सोलर लाइट लग सकती है, और उसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन के पश्चात उसका बाकी को दे भी सकते हैं, और उसको कमर्शियल भी बना सकते हैं, आमदनी का साधन भी बना सकते हैं। ये सारी चीज कैसे, हर चीज पर हर जगह शोध की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, और रिसर्च आइडियाज बहुत तेजी के साथ लोगों के मन के अंदर पैदा होते जाएंगे, नवाचार अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा, नवाचार का प्रयोग करते हुए हम फिर से विश्व के सामने एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, देखो वैज्ञानिक दृष्टि से हर क्षेत्र में हम सक्षम हैं, और विश्व का मुकाबला कर सकने में किसी प्रकार की हमारी कमी नहीं होगी, एक ऐसी स्थिति का निर्माण अपने बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं। ये डिजिटल अगर हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, डाटा हमारे पास पूरा नहीं होगा, ढंग से नहीं होगा, अपना नहीं होगा, तो सुरक्षित नहीं हो सकता है। साइबर क्राइम
और अगर डिजिटली हमने अपने को नहीं तैयार किया है, जो चौथी औद्योगिक क्रांति होने वाली है उसके हिस्से का हम नहीं बन पाएंगे। इसे चौथी औद्योगिक क्रांति के हिस्सेदार बनने के लिए हमें डिजिटली अपने को तैयार करना पड़ेगा। हर बच्चे को डिजिटल बनना पड़ेगा, डिजिटल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये सारे विषय ऐसे हैं, परंपरागत नहीं है, ये नवाचार से संबंधित है। ये सारे विषय ऐसे हैं जो आज के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो, सबको एक नई सोच की दिशा प्रदान का प्रयास किया तो सही माने में हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपने सक्षम बना सकते हैं। यहां विज्ञान भी है, बृहस्पति विज्ञान भी है, भूगर्भ विज्ञान भी है कि नहीं, जियोलॉजी है, भूगोल भी है, सब कुछ है, राजनीति भी है, राजनीति शास्त्र भी होगा, अर्थनीति है, सब कुछ है। उन सारे क्षेत्रों में नई सोच की दिशा जो आज विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के साथ स्पर्धा में सबसे आगे जा रहे हैं, ये काम करने की आवश्यकता है। जहां शैक्षिक क्षेत्र में चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में चाहे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष में हम आगे बढ़े, वहीं आज दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया है, खेल का भी बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया है। खेल अगर अभ्यास पूर्ण नहीं है तो हम फिट इंडिया की बात नहीं कर सकते। फिट इंडिया की बात केवल स्लोगन नहीं है, फिट इंडिया की बात अपने जीवन के अंदर आचरण करने का एक प्रमुख माध्यम बना है, अपने जीवन में आचरित करने का ये मंत्र है। और मंत्र स्पोर्ट्स के माध्यम से हो सकता है, वो मंत्र अपने व्यक्तिगत रूप से चाहे यौगिक साधना होगी चाहे विभिन्न प्रकार के जिम के अभ्यास होंगे के माध्यम से हो सकता है। हमारा देश युवा देश है, 60% से ज्यादा आयु युवा वालों की है यहां, और इसे इस तरह की तैयारी करना आवश्यक है। और जब ये तैयारी रहेगी तो विभिन्न क्षेत्रों में चाहे एथलेटिक्स हो चाहे और भी क्षेत्र होंगे, उसमें हम विश्व में अपना एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। चाहे हमारी लड़कियां होंगी चाहे युवक होंगे, सब ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन क्यों नहीं दिया है, लोगों ने आचरण करना शुरू कर दिया। और मैंने जहां जहां जाकर देखा, कई विश्वविद्यालयों में गया, मैं दीक्षांत समारोह में भागीदार रहा, हमने जो उपाधियां दी लोगों को उसमें 60% से छात्राएं पीएचडी हो चाहे गोल्डन हो उन्होंने प्राप्त किया, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इस वर्ग के क्षेत्र में आगे बढ़े, इन सब लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास। दिव्यांगजन भी इसी तरीके से आगे बढ़े, उनके अंदर छिपे टैलेंट्स को, उनके मन के अंदर की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भगाकर हमारे अंदर ताकत है कुछ कर सकते हैं, ऐसे दिव्यांगजनों को भी विद्यालय में अगर स्थान मिलता है तो लाना चाहिए। उनका टैलेंट है, मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे दिव्यांगजन, में जिस क्षेत्र का सांसद रहा वहां मैंने कई दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाया, उसमें इंजीनियरिंग कराया और आज अच्छे इंजीनियर बन करके जो चलना नहीं जानता था वो अच्छा इंजीनियर बन पैर का सारा ठीक ठाक करवा दिया कर रहा है। कई स्थलों में ऐसे पाए जाएंगे, तो ऐसे लोग जहां भी अपनी प्रतिभाएं छिपी, इसको उपेक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। और इस दिशा में हम सब लोगों के माध्यम से चीजों का निर्माण करना है कि जिसका अनुसरण करके, जिसका उपयोग करके, जिन लोगों के अंदर कई प्रकार की विसंगतियां हैं, कमियां हैं, उसका उपयोग करके वो आगे बढ़े, इस प्रकार की अगर रचना हमने की, इस प्रकार की व्यवस्था की, तो सही मानेंगे विश्वविद्यालय
ज्ञान की दृष्टि से विख्यात है। उस विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रकार सब लोगों का ज्ञान वर्धन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, जहां विभिन्न विषयों के माध्यम से अपने शैक्षिक गुणवत्ता को प्रदर्शित करने में सफल और सक्षम रहा, अब विभिन्न प्रकार के शोध के जरिए से, क्योंकि आज का जमाना रिसर्च का है, शोध का है, बहुत आवश्यकता है, प्रयोगशालाओं की बहुत आवश्यकता है, जरूर होगा यहां अधिक से अधिक रिसर्च, उसको आगे बढ़ाएं और उसके आधार पर नवाचार को प्रश्रय देते हुए सही माने में केवल शिक्षा की दृष्टि से नहीं तो विभिन्न प्रकार की ज्ञान की दृष्टि से भी यह विश्वविद्यालय समर्थ है, सक्षम है, खजाना है, यह स्वरूप का निर्माण करना हो तो ही अच्छा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से ये सारी चीजें निश्चित रूप से उभर करके आएगी और विश्वविद्यालय पूरे देश भर में इस हिसाब से अपना एक आदर्श प्रस्तुत करेगा, ये मैं इस संबंध में कहना। आपको संविधान का प्रियम्बर और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया, मैं क्यों नहीं जता यूनिटी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसे ये है एकता एकात्मता बंधुत्व सबको साथ लेकर चलने की मानसिकता, देश को आगे बढ़ाने की प्रबल इच्छा शक्ति का निर्माण प्रियम्बर के अंदर है। फंडामेंटल राइट्स की बात हम सब लोग करते हैं, ये हमारा अधिकार है देना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। अधिकार की ऐसी बात ना हो जाए कोई राष्ट्रीय क्षति हो, ऐसी बात ना हो जाए हिंसात्मक माहौल बनाकर विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय क्षति करते हुए देश को विघटन की दिशा में अग्रसर करें, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों का सामंजस्यपूर्ण व्यवहार ये देश को आगे बढ़ाने में सफल और सक्षम हो सकता है। और इसलिए मैंने सभी जगह पढ़ने का तय किया है, मैं सब जगह कर रहा हूं, विश्वविद्यालयों में भी कर रहा हूं, जहां जा रहा हूं कार्यक्रम हो रहा है वहां भी कर रहा हूं, आग्रह भी कर रहा हूं कि ये व्यक्ति से संबंधित है, अपने आचरण व्यवहार में लाइए। अगर इसको अपने आचरण व्यवहार में नहीं लाते हैं तो कहा जाएगा कि संविधान के विपरीत काम कर रहे हो, इस संविधान बचाओ के नाम पर अगर संविधान के विपरीत काम करेंगे तो कैसे संविधान बचेगा, यह नहीं होना चाहिए। और इसको ध्यान में रखकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे में मैंने विश्वविद्यालयों के अंदर ही कहा है, मैं चाहता हूं हमारे यहां के कुलपति और यहां के लोग भी इस बात को स्वीकार करें, विश्वविद्यालयों में मैंने कहा है कि भाई संविधान पार्क बनाओ, शिला पर प्रियम्बल लिखा हो, शिला पर फंडामेंटल राइट्स लिखे हो, फंडामेंटल ड्यूटी और चौथे पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो उसके हैं संविधान के लिए, इतना क्यों करिए, कम कम आने वाला विद्यार्थी आने वाला शिक्षक एक बार पढ़ तो ले कि संविधान क्या है। संविधान हमारा मूल ग्रंथ है, इस समय आज का संविधान हमारे लिए यही गीता है, यही पुराण है, यही बाइबल है, संविधान है। इसी संविधान के द्वारा लोकतंत्र चल रहा है, इसी संविधान के द्वारा पूरा देश चल रहा है, जिस संविधान के द्वारा पूरा देश चल रहा है, पूरा लोकतंत्र चल रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर भारत को संतुष्ट बनाने की दिशा में यत्नशील है, उस संविधान का पालन करना एक एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। अगर उसका पालन नहीं होता तो उल्लंघन कर रहे हैं, अपने ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। ऐसे मैंने आग्रह पूर्वक कहा है कि इसको अपने जीवन में आचरित करें, और मैं आग्रह करूंगा कि यहां के कुलपति, यहां के प्रशासन के लोग, यहां के बोर्ड जो मेंबर्स हैं बॉम्ब के, ये सब लोग मिलकर तय करें कि यहां संविधान पार्क बनाया जाएगा। मैं सोचता अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।